नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस बाई मेरे समय। जैसा कि पीछे आप कुछ हैशटैग देख रहे हैं, ठीक है, तो हैशटैग उन चीज़ों के लिए है जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ नियम कानून आए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। अभी तक संविधान नीति वापस नहीं ली गई है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, उसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ कुछ वैकेंसियाँ फंसी पड़ी हैं, जैसे 69,000 हो गई, 69,000 शिक्षक की वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसको जल्द से जल्द रिलीज करें। साथ ही साथ सेम ऑफ यूपी गवर्नमेंट्स, हम लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से असंतुष्ट हैं क्योंकि उसकी कई वैकेंसियाँ फंसी पड़ी हैं, ठीक है, उसको जल्द से जल्द रिलीज करें, उसे बहाली दें। और साथ ही साथ जो नई वैकेंसियों का विज्ञापन बार बार पेपर कटिंग के माध्यम से आ रहा है, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज करें। बात करते हैं अगर लेखपाल वैकेंसी की, 15,000 प्लस पदों की लेखपाल की वैकेंसी बहुत दिनों से आ रही है। ऐसे ही कागजी कार्रवाई में यूपीएसआई की वैकेंसी फंसी पड़ी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अदर वैकेंसियां हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की हो गई, वो भी वैकेंसी अभी सामने नहीं आ पाई है। उन सब का हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो भी सामान्य तरीके से, ठीक है, डिजिटलाइज मोड में करेंगे। जैसा कि 17 तारीख मोदी जी की 70वीं जन्म दिवस मनाई जा रही है, ठीक है, 70वां जन्मदिन, ठीक है, मोदी जी 70 वर्ष के कल हो जाएंगे। उनके जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग कुछ स्पेशल डिजिटलाइज मोड में अपना विरोध प्रदर्शन यापित करेंगे और दिखाएंगे गवर्नमेंट के माध्यम से और अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले जो इंडिकेशन होगा वो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, उत्तर प्रदेश जीओबी, ठीक है, @ लगा के जैसे आप UPGOBT लिखेंगे तुरंत आ जाएगा ट्विटर हैंडल पे। सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला इस समय का यही ट्विटर मोड है, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग ट्रेंड करेंगे, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, इनका ट्विटर हैंडल है, इस पर हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन लगाएंगे। क्या, तो @ लगा के ये चारों ऑप्शन, ठीक है, @ लगा के संविधान नीति वापस लो, साथ ही साथ @ लगा के speak UP for up student, ठीक है, speak UP for up student, यानी यूपी के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बहाली की जाए, जितनी भी वैकेंसियाँ फंसी पड़ी हैं उनको रिलीज की जाए, ठीक है, और UP SSC की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन जारी करेंगे। क्योंकि उसकी वैकेंसियाँ ये होती हैं कि 2016 में अगर नोटिफिकेशन आया तो 2020 में पेपर होने वाला है। RO का आप लोगों को पता होगा 20 तारीख को पेपर है, ठीक है, 20 सितंबर को फाइनली पेपर है RO 2016 वाला। 361 प्लस पोस्टें हैं, सोचिए आप क्या होगा उस पर, 361 पोस्टें हैं, 2016 का पेपर 2020 में 20 सितंबर को होने वाला है, 20 सितंबर को। तो ये सारी दिक्कतें जो है उसको दूर की जाए। RO की अगर बात करते हैं तो ये तो UP SSC नहीं, UPPSC कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो UP SSC के थ्रू अभी तक वैकेंसी आती हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट हो गया, लेखपाल हो गया, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी हो गई, अगर कोई पोस्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश में क्लर्कियल जॉब है तो ये UP SSC कंडक्ट कराता था। और इसमें अब इस बार एक मुख्य परीक्षा जोड़ दी गई है लोअर की, ठीक है, लोअर के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा है अभी तक, लोअर के बारे में UP SSC की तरफ से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। मुख्य परीक्षा कब होगी, कोरोना काल क्या आ गया, इसमें कई परीक्षाएं अपने आप में अंतिम रूप ले रही हैं, हो सकता है निरस्त ना हो जाए, ये दिक्कतें हैं। 69,000 शिक्षकों के लिए जो बहाली चल रही है इसमें जल्द से जल्द बहाली हो, हम लोग गवर्नमेंट से यही डिमांड करते हैं कि 69,000 शिक्षकों को जल्दी से जल्दी फाइनली ज्वाइनिंग दें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो ट्रेंड चलाने वाले हैं, ये ट्विटर हैंडल पर चलेगा, ध्यान रखना है, ट्विटर हैंडल पर चलेगा, डिजिटलाइज मोड में चलेगा। ये नहीं है कि आप राजनीतिक पार्टी का ज्ञापन लेके उसके बाद गवर्नमेंट का खिलाफ करें, उसके बाद कुछ होता है तो चैनल माध्यम नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें आप खुद जिम्मेदार होंगे। हम लोग पहले ही बता रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से ये धरना चलना है और कहाँ कहाँ करना है, हमें फाइनली ट्रेंड जो करना है, ये हैशटैग लगा के ट्रेंड कराना है, उसे @MYogiAdityanath पे करना है। ये ट्विटर हैंडल पे ऑफिशियल अकाउंट है योगी आदित्यनाथ जी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान CM है इसलिए इन्हें हम लोग टैग कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, उन्हें भी ट्रेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ UPGOBT ये ऑफिशियल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इस पर @ लगा के सर्च करेंगे, इसे हम लोग ट्रेंड करेंगे, इस पर ये चारों, ठीक है, संविधान नीति वापस लो, स्पीक यूपी फॉर यूपी स्टूडेंट्स और UP SSC सेम अप फॉर यूपी गवर्नमेंट। ये हम लोग बेरोजगारी को दिखाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का हालम है उसे हम लोग दिखाना चाहते हैं, उसको जल्द से जल्द बहाल कराना चाहते हैं। और PMO India इसलिए क्योंकि कल मोदी जी का 70वां जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में इस समय व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कल बेरोजगारी दिवस मनाना चाहते हैं।
लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं साफ साफ ये कह रहा हूँ अपना आक्रोश प्रकट करिए, लेकिन जो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके उसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट को जबरन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूर्ण बहुमत से आई है, 5 साल रहेगी रहेगी, और 2022 का समय बहुत ज़्यादा होता है, 2020 चल रहा है, 2 साल है, 2 साल बहुत ज़्यादा होता है। उस बंदे से 2 साल का मतलब पूछिए जो एकदम ओवर एज की कैटेगरी में खड़ा हो, ठीक है। अगर यूपी में पुलिस के लिए 22 साल लिया जा रहा है और आप कह दीजिए कि 2025 में हम देख लेंगे, 2022 में देख लेंगे, 2022 में क्या देखोगे यार, जब वो बंदा ओवर एज हो रहा है, उत्तर प्रदेश की इतनी बढ़िया वैकेंसी आने वाली है, उसमें अगर वो ओवर एज हो जाएगा तो 2022 में क्या देखेगा, फिर वो जिंदगी भर क्या करेगा, आप खुद सोचो। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट से आप आश्वासन करवा सकते हैं, फाइनली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपना आक्रोश प्रदान कर सकते हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर सकते हैं सोशल साइटों के माध्यम से, ठीक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसे रिस्पेक्ट भी करेगी, ठीक है, क्यों ना, क्योंकि इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा था ना कितना डिसलाइक आया था, उस पर क्या हुआ, तुरंत 3 दिन के अंदर ही विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, तुरंत उन्हें आना पड़ा, सामने नोटिस डालना पड़ा, उसके बाद पीयूष मंत्री गोयल, पीयूष मंत्री जी जो गोयल हैं, पीयूष मंत्री क्या नाम है, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्हें भी आना पड़ा और प्रेस विज्ञप्ति करने के बाद फाइनली बताना पड़ा कि 15 दिसंबर से रेलवे की संभावित परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब संभावित परीक्षाओं में क्या है, एनटीपीसी ग्रुप डी है, 2.8 करोड़ इंडेक्स हैं, तो उसमें मेजोरिटी के बल पर यह सब संभव हो पाया है। SSC लगभग 10 करोड़ इंडेक्स पेपर देते हैं, ठीक है, टोटल, तो इसमें बहुत सारे लोग पड़े हैं, अगर वो लोग फॉलो कर लेते हैं, वो लोग भी ये हैंडल चला लेते हैं जो हम लोग @ लगा के और #टैग लगा के करना चाहते हैं कल की डेट में। टाइम याद रखना है 11 बजे, एक साथ सभी को करना है 11 AM, ठीक है, 11 AM पे हम लोग साथ ही करेंगे, और सब कुछ जो करेंगे एक सुसंगठित रूप से करना है, ठीक है, ये नहीं है कि किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके आप उसका बैनर तले सब कुछ काम करें, उसका फ़ायदा बेनिफिट जो पार्टियां हैं उन्हीं को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको बाद में पता चलेगा क्या होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, अपनी बातें सौहार्दपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से गवर्नमेंट के पास पहुंचानी है, वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट के पास भी पहुंचानी है, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के पास पहुंचानी है, क्योंकि ये जो बहाली हम लोग डिमांड कर रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हो रही है, और उसके थ्रू हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि योगी जी यहाँ के हेड हैं, वो अगर ये चाहते हैं तो सब कुछ संभव हो सकता है, नई वैकेंसी नई बहाली, जैसे कि भारत में चुनाव आयोग होता है, सभी ने पढ़ा होगा चुनाव आयोग का कार्य क्या है, चुनाव आयोग का कार्य यह है कि भारत के समस्त क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराना, चाहे वो राज्य का हो या फिर केंद्र का हो। अगर चुनाव आयोग अपना चुनाव कंप्लीट कराता है तो किस बेसिस पर कराता है, सबसे पहले वो अपना खाका तैयार कर लेता है, चुनाव कितने चरण में होंगे यानी वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग वो चरण डिवाइड कर देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने चरण में संपन्न हो जाएंगे, तो चरण हो गया चुनाव कंप्लीट होने के, ठीक है, उसके बाद वो बता देगा कि फला डेट को काउंटिंग होगी, तो उसमें काउंटिंग की डेट फिक्स रहती है, ठीक है, काउंटिंग की डेट पहले से ही फिक्स रहती है कि इस डेट को काउंटिंग हो जाएगी, उसी डेट को रिजल्ट आ जाता है या अगले दिन रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद वहाँ पे ये तक डाटा फाइनल रहता है कि आपको फला दिन शपथ लेना है, ठीक है, शपथ के प्रोसेस भी उसमें फाइनली दिए रहते हैं कि इस डेट को वहाँ का मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह करेगा, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग भी डिमांड करते हैं कि जितनी भी परीक्षा एजेंसियां बनती हैं वो अपना पहले से खाका तैयार करके रखें कि वैकेंसी आएगी तो कितने पदों पे आएगी, किस डेट से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, किस डेट से प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, उसकी आंसर की कब आ जाएगी, उसका फाइनली रिजल्ट कब आ जाएगा, रिजल्ट के बाद फाइनली ज्वाइनिंग आप किस डेट को दे रहे हैं, या अगर मुख्य परीक्षा का प्रोसेस है तो आप प्री के बाद मुख्य परीक्षा किस डेट को ले रहे हैं, मुख्य परीक्षा की आंसर की कब तक आएगी, उसमें ये नहीं है कि आंसर की आई तो 5 बार संशोधित आंसर की आएगी, ऐसा प्रोसेस बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए, भ्रष्टाचार का मामला खत्म हो जाना चाहिए, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो के जो 2016 वाली वैकेंसी है उसमें कितने घपलेबाजी चली तो लोग आप लोग देख पा रहे होंगे, लगभग 300+ पद खाली चले गए थे, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता आ जाए, गवर्नमेंट सुधर जाए, नहीं तो समय है, जनता सब कुछ बता देती है, समय सब कुछ चखा देता है लोगों को, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।